बताएं कि जो आपके टूरिस्ट बाहर से आते हैं, ठीक है, स्पेशली जो मलेशिया से और हांगकांग से आते हैं और आप उनको उनसे उनकी जबान में बात करते हैं, थोड़ा सा हमसे भी बात कीजिए। जैसे अगर आप वेलकम कर रहे हैं, मैं टूरिस्ट हूँ और आप वेलकम करेंगे तो किस तरह से आप उनकी लैंग्वेज में करेंगे, ज़रा उनकी खूबसूरती भी लैंग्वेज। बेसिकली मलेशियंस मुस्लिम्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो सिंगापुर में हैं वो भी मुस्लिम हैं, तो उनको हम लोग पहले जैसा हमारा है ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, सलामत दत्तंग पाकिस्तान, सलामत का मीन्स होता है वेलकम टू पाकिस्तान, हम उनको इस तरह कहेंगे। फिर उसके बाद हमने उनसे उनका हाल चाल पूछना है, तो जैसे कि हम लोग पूछते हैं आप कैसे हैं, तो हम उनको पूछेंगे आपा खबर, तो जी आपा खबर, तो वो फिर जवाब में हमें बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह खबर बाइक, अल्हम्दुलिल्लाह खबर बाइक, खबर बाइक। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने टूरिज्म को इसको वो कहूंगी और जी, इसका क्रेडिट दूंगी कि अब उन्होंने इस विंटर में भी ना वो एक्टिविटीज निकाल ली हैं और इतना ज्यादा रीचेबल बना दिया, आप जा सकते हैं इन सारी जगहों के ऊपर। पहले तो बर्फ की वजह से आप ट्रैवल ही नहीं कर सकते थे, लेकिन पाकिस्तान का टूरिज्म एटलीस्ट हम उनको इस चीज का क्रेडिट देते हैं कि वो विंटर में भी आप फैमिलीज के साथ जा सकते हैं और ये सारी एक्टिविटीज वहां पे जाके फुली इंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह विंटर्स में, लास्ट टाइम स्कर्दू में भी नहीं थी एक्टिविटीज़, अब स्कर्दू में भी बहुत सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और बहुत ही खूबसूरत रोड है, बल्तिस्तान रोड के नाम से उसको उन्होंने मशहूर किया है और बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज़ को करवा रहे हैं। फिर उसके अलावा हंजा में बहुत एक्टिविटीज़ हैं, लास्ट ईयर बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया था स्काफ वालों ने, इसके इवेंट्स के कुछ मैचेस अपर गुजाल, अपर हंजा में हुए, गुजाल में हुए, अलतित में हुए,